मार्केट के अंदर आपने जितने भी सोलर पैनल देखे हैं वो अल्मूनियम के एक फिक्स फ्रेम के अंदर आते हैं, जिनको इंस्टॉल करने के लिए एक ख़ास किस्म का फ्रेम लगाया जाता है जो कि मेटल बॉडी का होता है और काफ़ी कॉस्टली होता है। आज जिस सोलर प्लेट का हम ओवरव्यू आपके लिए लेके आए हैं वो एक फ्लेक्सिबल सोलर प्लेट है, जो कि अगर इसकी पावर की बात की जाए जो 550 वाट, 600 वाट और 650 वाट के पावर के अंदर को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल ट्रेंड। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो को चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये कहाँ पे लगाई जा सकती है। बेसिकली ये इन जगह पे लगाई जा सकती है जहाँ पे आपने टेम्परेरी तौर पे रहना हो, मीन के जो लोग डेजर्ट के ऊपर या ट्रैवलिंग के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं और एनर्जी की वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे इस सोलर प्लेट को आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम जगह पे बहुत अच्छे तरीके से लगाया जा सकता है, जिस तरह के सिटी के एरिया में आपको स्पेस का इशू होता है, या इसके अलावा बहुत सारी सोलर प्लेट्स ऐसी होती है जिनको साय का बड़ा इशू होता है कि आपने प्रॉपर तरीके से इसका साया जो है वो मेंटेन नहीं कर सकते। इसके अलावा ऐसी जगहों पे लगाए जा सकते हैं जहाँ पे ये आपने फ्रेम का खर्चा जो है, फ्रेम क्योंकि मेटल का होता है और वो बहुत कॉस्टली होता है, वहाँ पे आपने इसका फ्रेम का जो खर्चा है वो मिनिमाइज़ करना हो, ये उन जगहों पे बहुत ज़्यादा कारामद होती है। अगर इसकी फिनिशिंग की बात करें तो ये किसी सेल के अंदर नहीं आती, बेसिकली ये एक शीट होती है जिसको प्रेस करके सिलिकॉन की शीट के अंदर बनाया गया होता है। पॉली और मोनो दोनों का ही कम्बिनेशन होता है, जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा होगा कि साइड पे इसका ब्लैक किस्म का मोनो है और सेंटर में इसका पॉली की लेयर दी गई है। इसका मतलब ये है कि ये ठंडे और गर्म दोनों जगह पे बहुत काम आ रहा होता है। जैसा कि मैंने आपको इसकी पावर के बारे में बताया कि ये 550 वाट, 600 वाट और 650 वाट के पावर के अंदर आती है। अभी हमारे पास ये जो पैनल है वो 650 वाट का है और इसकी लेंथ जो है वो अभी तकरीबन 20 फीट के करीब है। अगर मैं इसकी फिनिशिंग की बात करूं तो ये पॉली और मोनो दोनों के कम्बिनेशन के अंदर आती है। बेसिकली ये किसी सेल की सूरत में नहीं होती बल्कि एक शीट है जिसको प्रेस करके सिलिकॉन की शीट के अंदर प्रेस करके लगा दिया जाता है। और अगर मैं इसको लगाने का आपको तरीका बताऊं तो इसको बेसिकली ये देखिए आप बैक साइड पे इसके एक स्टिकर है जो कि एक वाइट कलर की शेप है, अगर इसको मैं उतार दूँ तो इसके नीचे जस्ट एक स्टिकर ही है, जिस तरह आम स्टिकर होते हैं इसी तरह इसको किसी भी दीवार के साथ या आप रूफ़ के ऊपर इसको चिपका सकते हैं। इससे बड़ी सी फैसिलिटी ये होती है कि ये एक तो हवा में उड़ता नहीं है, साथ में ये है कि दूसरी इसकी मूवमेंट नहीं होती। अगर आप इसको फिक्स नहीं करना चाहते एक जगह पे तो इसका स्टिकर नहीं उतारें, जस्ट ऐसे ही इसके रूफ़ के ऊपर या किसी भी जगह के ऊपर इसको बिछा दें तो ये वहाँ पे ही आपका पड़ा रहेगा और आप जैसे टाइम टू टाइम साय का इशू होता है या आपने इसको मूवमेंट करनी हो तो वो इसको आप रोल करके एक गाड़ी के अंदर छोटे से बॉक्स के अंदर इसको ले जा सकते हैं। सही है, पोर्टर पे। अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूं तो कंपनी की तकरीबन 5 साल की इसकी फ़िज़िकल वारंटी और 25 साल की इसकी लाइफ टाइम वारंटी जो है वो दी जाती है। इसकी अगर डैमेज की बात करें तो ये धूप से इसको कोई मसला नहीं होता। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इसकी फिनिशिंग जो है, अगर मैं इसको आपको हाथ से फील करवाऊँ तो एक मोटी शीट है जिसको डैमेज जो है वो बिल्कुल नहीं आता, फ्लेक्सिबल है और आप इसको किसी भी तरीके से इसको ट्रैवल के ज़रिए मूव कर सकते हैं। साथ में इसका अगर मैं इसके पावर की बात करूँ तो जैसे मैंने आपको बताया था ये 550 से लेकर 650 वाट के दरमियान आती है, तो ये डिपेंड कर रहा है तो इसकी विड्थ कितनी है और साथ में इसकी लेंथ कितनी है। और साथ में इसको लगाने का तरीका यही होता है कि आपने एक, दो या तीन प्लेट्स आपने लगी हैं और इसको कैलकुलेट करके आपने इसके वोल्टेज और एम्पीयर को कैलकुलेट किया और साथ में जिस तरह आम सोलर प्लेट्स का कनेक्शन बनाया जाता है इसी तरह आप इसका कनेक्शन बना के UPS के ज़रिए आप इसको आउटपुट ले सकते हैं। साथ में अगर इसकी प्राइस की बात करें तो कंपनी ने अभी इसकी जो प्राइस है, इनिशियल प्राइस निकाली है वो तकरीबन 70 से 80 रुपये पर वाट के हिसाब से निकाली है। तो जो अगर 550 वाट की प्लेट है तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि प्लेट कितने की बनती है। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो ये मिनिमम 15 फीट और मैक्सिमम जो है वो 20 फीट की लेंथ के अंदर आती है, जो कि एक मुनासिब और अच्छे तरीके से संभालने वाली लेंथ होती है। तो इसके अलावा मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा अवेलेबल तो नहीं है, बट ये है कि ये सिर्फ हमारे पास ही अभी होलसेल के ऊपर अवेलेबल है। अगर आप इसको बाई करना चाहें तब भी आप हमारी वेबसाइट के ऊपर विज़िट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको ऑनलाइन मार्केट से भी परचेज़ कर सकते हैं। हमने इसकी क्वालिटी और प्राइस की बात कर ली है। अगर हम इसकी केयरिंग और इसको फोल्ड करने का तरीका देखें तो अगर ये फोल्ड करना बिल्कुल ही आसान है, इसको बेसिकली यहाँ पे आप इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। ये सोलर प्लेट है, बेसिकली आप देखेंगे कि बड़ी ही यूनिक किस्म की सोलर प्लेट है, इसको आप इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। और इसका जो नेट वेट है तकरीबन 15.5 फीट वाली का तकरीबन वज़न जो है वो अभी तकरीबन 15.5 किलो से लेके 20। यूनिक सी फ्लेक्सिबल सोलर प्लेट ओवरव्यू आप इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं। आप इसको बाय करके अपने रोजमर्रा के काम सर अंजाम दे सकते हैं।
वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।